बंटवारे का दोषी कौन? मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाली थी और बहुत सारे कमेंट्स आए थे। उन्हीं में से एक कमेंट था जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं बताऊं कि हमारे इन परिवारों के अंदर, जिसके अंदर बंटवारे की एक लहर है, वहाँ से लोगों की सोच कैसी है। और राकेश जी ने जो मुझे जवाब दिया वो मुझे मजबूर कर गया कि मैं वो पढ़ूँ और आपको बताऊँ कि आखिरकार बंटवारे का दोषी कौन उनके हिसाब से। वो लिखते हैं कि केशु भाई, 47 को तो हम धीरे धीरे भूलने लगे थे। उस दिन तो भारत आज़ाद था, मगर हमारा पंजाब लहूलुहान हुआ था। 10 लाख लोगों की बलि की वेदी पर देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे में अंग्रेज़ और उनके मानस पुत्र काले अंग्रेज ही शामिल थे। वो दूसरे विश्व युद्ध व महाराजा रंजीत सिंह के समय पंजाबियों की ताकत को देख चुके थे, जो जाबाज लड़ाके थे। 47 में उनके पास यही अवसर था जब वो पंजाब की ताकत को कमज़ोर कर सकते थे, ताकि आगे भविष्य में कोई भी उन्हें तंग ना कर सके। उनके मानस काले पुत्रों में इसका भरपूर फायदा उठाया। एक भारत का प्रधानमंत्री बना, दूसरा पाकिस्तान का राष्ट्रपति। मास्टर तारा सिंह जी जो अकालियों के आगू थे, वो जनाब इन नेहरू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। और एक सरदार, शायद उसका नाम बलदेव सिंह था, शायद नहीं पक्का, जिनकी ज़मीन चंडीगढ़ के पास थी, यहाँ ये चंडीगढ़ आबाद किया गया, उसे लालच दिया। और सिखों ने अम्बेडकर से कहा कि आपका एक अलग पहचानी सूबा बन जाएगा, आप अलग देश लेकर क्या करोगे। यही ऐतिहासिक गलतियां हमारे पंजाब को ले डूबी और हमारे पूर्वजों को घर से बेघर होना पड़ा। अंग्रेज़ों ने मास्टर तारा सिंह जी को अलग बुलाकर कहा, आप चाहें तो अपना अलग देश ले लें, उसे अपने अस्तित्व में ला लें। पंजाब की झज्जर व बागपत तक उसकी सीमा थी। इन सबका DNA एक ही था, अनखी वह लड़ाके योद्धा थे। वो तो अब सब इतिहास में दफन हो गए, मगर ये टीस हमेशा तंग करती रहेगी। अपने ही देश में हमारे पूर्वजों को रिफ्यूजी की संज्ञा दी गई। दूसरा, जब इन राजनीतिक लोगों ने जाट आरक्षण की आड़ में जो हैवानियत का नंगा नाच खेला, अपने भाइयों की दुकानों को रोहतक गोहाना हांसी में चुन चुन कर आग लगाई गई और कहा गया इन राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा कि हमें ये वहीं छोड़कर आएंगे जहां से ये लोग आए थे, इवन उस पर पत्थर भी लगा कर आएंगे। केशु भाई, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जिस धर्म के लिए, जिस माटी के लिए हमें हमारे अपने पूर्वजों ने अपना घर बार छोड़ा, उसे ही बेगाना बना दिया। अपने जान से प्यारे हरियाणा को हमारी ही नस्लों ने भारत में नंबर एक पर लाने का विशेष योगदान दिया, चाहे वो फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक, हिसार, करनाल। अंबाला में अपने समुदाय के लोगों ने हरियाणा की अलग पहचान बनाई, जिसका हमें गर्व है। जय हिंद। राकेश जी, मैंने आपको इनबॉक्स में कहा था कि मैं आपके इस कमेंट को लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं ना, ये आपके और मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, इवन अपने कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं देखते हैं। और आपने जो बातें कही हैं ना, वो कड़वी हैं पर सच्ची हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने जो सेक्रीफाइस किए हैं अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए, अपनी ज़बान को बचाने के लिए, वो सब चीज़ें हम नहीं कर सकते। मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, जिसमें मैंने कहा था कि हम कौन हैं, हम नकली हैं यार, हम काहे के। तो कई बार मुझे अपने आप पर ये होता है कि ये सारी चीज़ें जो हमें हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाई हैं, क्या वो हम कायम रख पाएंगे? नहीं। एनीवे, बस मैं इस वीडियो को लंबा ना करते हुए बस यही कहूँगा कि आप सब लोग जो कमेंट करते भी नहीं हैं, कम से कम औरों के तो पढ़ लिया कीजिए। मैं मजबूर हो जाता हूँ अच्छे कमेंट्स के वीडियो बनाने के लिए। शुक्रिया।